हेलो दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से आते हैं। तो आज हम आपके लिए 20 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं घटना चक्र से। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में हमने आंसर्स दिया है, उसके बाद जो है आप आंसर्स मैच कीजिए। निगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है, तो तुक्का मारने में क्या जाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ऐसे हमने तीन चार क्वेश्चन के तो आंसर दे भी दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? आपके ऑप्शन है ए यंग इंडिया, बी नवजीवन, सी इंडियन ओपिनियन, डी युगांतर। क्वेश्चन नंबर टू में मैच करना है। साइड मतलब सूची वन में दिया हुआ है आपको लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस, ये समाचार पत्र हैं और आपको मैच करना है कि कौन इनको पब्लिश करवाता था। तो इधर आपका सूची टू में मतलब लीडर्स के नाम दिए गए हैं नेताओं के। फर्स्ट में आपको मदन मोहन मालवीय, सेकेंड में आपको फिरोज शाह मेहता, थर्ड में आपको मोतीलाल नेहरू और फोर्थ में टीएम नैयर। आपको बताना है कि ये जो न्यूज़पेपर है वो किनके द्वारा पब्लिश कराए जाते थे। लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ए बीआर अंबेडकर का इंडिपेंडेंट बताया गया है, तिलक का बताया कि वो केसरी पब्लिश करते थे, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और दादा भाई नेहरू जी का राजगोपतर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया, सृजन किया? आपके ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853 या डी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो पूना पैक्ट है जो 1932 में हुआ था उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ए बी आर अंबेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजा गोपालचारी या डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये तो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन मुझे मिला कि ऑपरेशन रूबीकॉन वह कूट शब्द कोड वर्ड जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए जेल में गांधी का आमरण अनशन, बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध कार्यवाही या डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, मैंने पहली बार घटना चक्र लिया है हिस्ट्री का और मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस उसमें दिए हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जरूर से घटना चक्र हिस्ट्री का लें, बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं क्वेश्चंस के और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सहायक संधि को यानी कि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला रूलर कौन सा था? इस क्वेश्चन में भी काफी कंफ्यूजन होता है और ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अवध के नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव टू या त्रावणकोर का राजा। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो अलग अलग युद्ध का जिक्र किया गया है और मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स का आपको नाम दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आपका फर्स्ट हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेसली, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध। क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ ना कुछ दोस्तों बदलाव होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है, मतलब सब गलत है केवल एक ही इसमें सही आपको बताना है वो कौन सा है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। जैसे इसके पहले में हमने आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है, लेकिन इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। लॉर्ड एलन बरो मतलब अवध का विलीनीकरण,
लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, एनेक्सेशन मतलब, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर आपका सर जोन्स और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, यानी कि लॉर्ड एलनबरो हो गया एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डलहौजी हो गया एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड वेलेस्ली हो गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर आपका हो गया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के लिए सर जॉन्स। आपको बताना है इसमें से एक ही सही है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, मतलब मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसमें वो अलग अलग जो है ना संधि से खत्म हुआ था, टीपू सुल्तान वाला जो चीज हुआ था, हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला। तो आपको मैंने यहाँ पे जिगजैग वे में दिया है, आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है, पहले क्या, सेकंड में क्या और थर्ड में क्या। यहां मैंने हैफाजार्ड वे में दिया है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंगलोर की संधि या थर्ड मद्रास की संधि। नंबर 11, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी उस समय फ्रेंच में किंग कौन थे? ए लुइस 14, बी लुइस 13, सी लुइस 15 या डी लुइस 16। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर दोस्तों हमने आपको दे दिया है, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है यानी कि कर्नाटक युद्ध जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था वो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, और जो सेकेंड है वो अनिर्णायक युद्ध रहा था। जो प्रथम मैसूर युद्ध है वो खत्म हुआ था ब्रिटिश की हार से, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको कार्नेटिक वार समझाया है, उसको आप जरूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आपके लिए आंसर इसका बता दिया है, नहीं तो ये पूछा गया था मैच करने के लिए, हमने आपको डायरेक्ट सीधे मैच करके दिखा दिया कि जो फर्स्ट कार्नेटिक जो युद्ध है वो खत्म हुआ था एक्सला चप्पल की संधि से, जो थर्ड कर्नाटक युद्ध है वो खत्म हुआ था पेरिस की संधि से, जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है वो अनिर्णायक रहा था, और जो फर्स्ट मैसूर युद्ध है वो खत्म हुआ था ब्रिटिश की हार से। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी कब? 12 नवंबर 1945, 21 अक्टूबर 1943, 5 नवंबर 1943 या 12 अक्टूबर 1943। आपको बताना है कि आजाद सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, जो आजाद हिंद फौज है ना उसका जो मतलब उसकी जो स्थापना है वो मोहन सिंह ने की थी। यहाँ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसा नहीं है, स्थापना जो है वो आजाद हिंद फौज की मोहन सिंह ने की थी, और बाद में जब सुभाष चंद्र बोस उससे जुड़े थे तो वो और हिट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किसने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके बारे में कहा था कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बोस सुभाष चंद्र बोस या डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए एन एम जोशी, बी बी पी वाडिया, सी वी वी गिरी या डी एस ए डांगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा कि यदि भगवान अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आपके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, गदर पार्टी जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएस में बनी थी उस वो अपना एक पत्र निकालता था गदर करके, तो आपको बताना है कि वो कैसा था, मंथली था मैगजीन, साप्ताहिक था, दैनिक था या पाक्षिक था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने पहली बार इसको सुना देखा, मतलब आपके ऑप्शन है ए हिंदू पैट्रियट, बी द हिंदू, सी यंग इंडिया या डी बंगाल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के आंसर हमने आपको दे दिए हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और क्वेश्चन नंबर 20, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन रहे, और अब जो है आप अपने अटेम्प्ट कीजिए और हम तब आपके साथ आंसर डिस्कस करेंगे। अब आइए हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा आपका युगांतर। युगांतर जो है ये क्रांतिकारियों का मतलब चीज था जो कि बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा निकाला जाता था। बाकी गांधी जी संबंधित थे यंग इंडिया से, नवजीवन से, इंडियन ओपिनियन से और हरिजन से। यहाँ जो है अलग अलग न्यूज़पेपर दिया हुआ है। तो लीडर जो है वो पब्लिश होते था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और जस्टिस जो है वो टीएम नायर के द्वारा। तो ये तो हमने आपको आंसर दे ही दिया, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये पहला ही वाला जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट है अभी अभी हमने आपको बताया कि ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा पब्लिश होता था, केसरी तिलक के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। अगर यंग इंडिया होता तो महात्मा गांधी, और राज गुप्ता जो है वो दादा भाई नारोजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सृजन किया? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1853 से, जिसमें जो वाइसराय का काउंसिल है उसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग कर दिया गया था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 5 काफी कंफ्यूजिंग है। किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खुद नहीं किया था बल्कि उनके समर्थकों ने किया था, और बाकी ये सब लोगों का हस्ताक्षर उस पे था। बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, श्री राजा गोपालचारी और भी लोग थे, लेकिन खुद महात्मा गांधी ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये ध्यान रखने का है दोस्तों, ये एक गूगली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। ऑपरेशन रूबिकन वह कोड वर्ड है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहले अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था और जितने भी महत्वपूर्ण नेता उनको गिरफ्तार कर लिया था, और फिर अंग्रेजों को ये डर था कि जो गांधी जी ने आमरण अनशन किया है तो शायद उनकी मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने ऑपरेशन रूबिकॉन जो है कोडवर्ड रखा था कि मतलब अगर ये वो पास करे तो इसका मतलब कि गांधी जी का डेथ हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेल में गांधी का आमरण अनशन से ये संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। अब देखिए, यहां बहुत लोग समझते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस चालू किया, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब उसके पहले डुप्लेक्स ने ही, जो पोर्टुगीज आपके थे, उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था सब्सिडरी अलायंस, और बाद में मोटा मोटी हर रूलर ने इसको फॉलो ही किया। तो यहां पे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक क्या हो जाएंगे? अवध के नवाब। लेकिन अगर पूछा जाता कि सहायक संधि वेलेजली के कंट्रोल में किसने सबसे पहले किया, तो इसमें होता हैदराबाद के निजाम। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था भारत में सहायक संधि? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्लेक्स ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, हेक्टर मुंडो का संबंध बक्सर के युद्ध से है, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध के समय थे, लॉर्ड वेलेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे। यहां देखिए जो डी ऑप्शन है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो जो फोर्थ वाला दिया है वो सही नहीं है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि कौन सा सही है, तो इसमें उल्टा पुल्टा दिया। देखिए, अवध का विलीनीकरण क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय। सिंध का विलीनीकरण यानी कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये लॉर्ड एलन बरो के समय। और लॉर्ड वेलेस्ली जो इसमें मात्र एक सही दिया हुआ है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के समय लॉर्ड वेलेस्ली थे, बाकी ये तीनों ए बी और डी गलत दिया है। इसमें आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, जबकि इसमें आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो एकमात्र सही ऑप्शन है कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जो है कौन मतलब ब्रिटिश जनरल थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। देखिए, जो मैसूर वॉर है, जो मराठा वॉर है, जो आपका कार्नेटिक वॉर है,
ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इस वार जो है किस संधि से खत्म हुई, उस वार के दौरान कौन ब्रिटिश गवर्नर थे, ये सब देखना जरूरी है। अब यहां देखिए अरेंज करने आपको बोला था, तो जो पहला आपका मतलब जो मैसूर वार है वो खत्म हुआ था मद्रास की संधि से 1769 में, जो दूसरा है वो खत्म हुआ था मैंगलोर की संधि से, और जो तीसरा है वो खत्म हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। जो पहला मैसूर वॉर है वो चला था 1767 से 1769 तक, 2 साल तक। जो दूसरा मैसूर वॉर है वो 4 साल तक चला था, 1780 से लेके 84 तक। उसके बाद मैंगलोर की संधि से वो खत्म हुआ था और हैदर अली का डेथ हो गया था उसमें। उसके बाद टीपू सुल्तान ने कमान संभाली थी, और आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1790 से 1792 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और इसमें टीपू सुल्तान को काफी नुकसान पहुंचा था। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपया जो है वो भी पे करना पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में कौन सा पॉइंट सही है। और पहला आपको दे देगा कि टीपू सुल्तान को काफी नुकसान हुआ और उनको अपना आधा हिस्सा, जो मतलब अपने एरिया का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। दूसरा, टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मद्रास की संधि हुई थी जब पहला एंग्लो मैसूर वार जो खत्म हुआ था, इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। दूसरा जो है मैंगलोर की संधि, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और जो उसके बाद टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला था। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार वो खत्म हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मैसूर वार, मराठा वार, कर्नाटिक वार, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय कौन थे? फ्रांस में रूलर लुई XIV थे। और इंडिया में कौन फाउंडर हुए? जीन कॉलबर्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जीन कॉलबर्ट के द्वारा की गई। लेकिन अगर पूछा कि उस समय फ्रांस में रूलर कौन थे, तो लुई XIV। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमने आपको आंसर ही दे दिया है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ था ट्रिटी ऑफ एक्सले चप्पल, थर्ड कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ था ट्रिटी ऑफ पेरिस, जो सेकेंड है वो अनिर्णायक रह गया था, और जो प्रथम मैसूर युद्ध है उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको डिटेल में कर्नाटिक वॉर यानी कि कर्नाटक युद्ध जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ उसको समझाया है, उसको प्लीज दोस्तों देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना कब की थी? 21 अक्टूबर 1943। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहां पे? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? बीपी वाडिया, और इनको भारत में लेबर मूवमेंट का जनक भी मानते हैं। कहां पे? ये आपका मुंबई में। किसने कहा कि यदि भगवान अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अब यहां बहुत लोग सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। तिलक भी जो है ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 17, और तिलक का वो भी फेमस है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेके रहूंगा। साथ ही साथ तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। गदर पार्टी का पत्र, गदर जो था, ये गदर पार्टी कहाँ का? सैन फ्रांसिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए में। तो इसका जो साप्ताहिक मतलब इसका जो पत्र था गदर, वो कैसा था? तो वो एक साप्ताहिक पत्र था, वीकली। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियोट, और इसमें किसके बारे में लिखा गया था? नील खेती का जो शोषण होता था उसके बारे में इसका जिक्र था, और मधुसूदन रे इसके फाउंडर थे, और गिरीश चंद्र घोष इसके पहले एडिटर हुए। एससी मुखर्जी भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन फाउंडर कौन थे हिंदू पैट्रियोट के? ध्यान रखिएगा, मधुसूदन रे। लेकिन पहले एडिटर कौन हुए? गिरीश चंद्र घोष। और इसमें किसका जिक्र था? जो नील विद्रोह हुआ था उसके बारे में लिखा गया था, कि मतलब नील खेती में जो चीज था उसका जिक्र था, नील विद्रोह का जिक्र था।
क्वेश्चन नंबर 19 हमने आपको आंसर दे दिया, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 20 गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेट बहुत पसंद आया होगा, हम आगे की वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।